हेलो दोस्तों, मैं संदीप डिकोडिंग नेट जेआरएफ से, और आज हम लोग बात करेंगे बिहेवियरलिज्म के बारे में। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बात करी हुई है कि वर्ल्ड वार टू ने पॉलिटिकल साइंस को की आइडेंटिटी को क्वेश्चन किया कि पॉलिटिकल साइंस बहुत बातें एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो उस पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से जानने की कोशिश करी। कुछ ने बोल दिया कि ये एक्चुअल इवेंट्स पे फोकस नहीं करता, केवल ये बात करता है कि कैसा मॉडल होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ये जो मोमेंट है बिहेवियरल, ये शुरुआत हुई ये बात कहने के लिए कि हमें अब एक्चुअल इवेंट पे फोकस करना चाहिए, हमें साइंटिफिक मेथड यूज करने चाहिए ताकि हम ज़्यादा बेहतर प्रेडिक्ट कर पाएँ, ज़्यादा बेहतर बता पाएँ और बेहतर योगदान दे पाएँ। अब ये जब शुरू होता है 1950 1960 के दौर में, तो इन्होंने कहा कि हमें वही सब्जेक्ट मैटर रखना चाहिए जिसको हम देख पाएँ, जिसको हम क्वांटिफाई कर पाएँ। और इन्होंने ट्रेडिशनल जो तरीके थे उनको नकारने की कोशिश की, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीकों में अलग अलग तरीके जो हमने पहले भी बताए हुए हैं उन बातों पे बात करने की कोशिश करी थी उन्होंने। फिलॉसफी था, लीगल अप्रोच था, उन बातों को बोला कि उनसे नहीं काम होगा, हमें नए तरीके अपनाने पड़ेंगे, साइंटिफिक मेथड लाना पड़ेगा। और इन्होंने कहा कि हम जो करेंगे हमें रोल नहीं देना है फीलिंग्स हैं, आइडियाज हैं, प्रेजुडिस को, हमें केवल साइंस साइंस जैसे करता है ना, बिना बायस हुए सब कुछ एकदम क्लियर करके करता है, वैसे ही हमें करना है। फिर एक दो इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स हैं या थिंकर्स हैं इस जोन में, एक हैं डेविड ईस्टन, दूसरे हैं मार्टिन लिपसेट। उन दोनों के काम देखते हैं और तब हम ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो डेविड ईस्टन ने कुछ फीचर्स बताए हैं कि बिहेवियरल जो मोमेंट है उसके क्या फीचर हैं। पहला है कि रेगुलरिटी होनी चाहिए। रेगुलरिटी का मतलब है कि एक जगह जो बात कही गई है कि अगर आपने यहाँ पे बोला कि ये है तो दूसरी जगह भी वैसा ही होना चाहिए। अगर आपने अमेरिका में कोई एक टर्म्स बोला है जो किसी एक पॉलिटिकल सिस्टम के पार्ट के लिए है, तो दूसरे देश में भी वही टर्म होना चाहिए। फिर जैसे साइंस में वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन मतलब कि जो भी प्रोसेस हो रहे हैं उसको लोग वेरीफाई कर पाएं। फिर टेक्निक्स की बात करी है, जैसे साइंस में होता है वैसे ही टेक्निक्स की बात करी है। फिर क्वांटिफिकेशन की बात करी है कि जो भी चीज़ें हैं उसको आप क्वांटिफाई कर पाएं, बैठ के अपने दिमाग में ना लगाएं, लोगों के बिहेवियर को लेके या लोगों के एक्चुअल जो बिहेवियर है उनके बारे में आप कैसे क्वांटिफाई कर पाते हैं, जिसका इलेक्शन में बहुत यूज करते हैं लोग। फिर वैल्यूज की बात करी, यहाँ पे जो इन्होंने वैल्यूज की बात करी है वो इम्पिरिकल वैल्यू की बात करी है कि इम्पिरिकल जो वैल्यूज हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। फिर सिस्टमाइजेशन की बात करी है कि जो भी हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उसमें एक सिस्टम होना चाहिए, वो एक सिस्टमाइज तरीके से होना चाहिए, जैसे साइंस में कुछ एक्सप्लेन करते हैं वैसे ही कुछ होना चाहिए। फिर इन्होंने बोला है कि ये प्योर साइंस की तरह होना चाहिए, इसमें वैल्यू फ्री होना चाहिए, अपने जजमेंट के बेस पे हमें कुछ नहीं बताना चाहिए। फिर एक और जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है वो इंटीग्रेशन है, कि केवल इसको पॉलिटिकल साइंस एज ए डिसिप्लिन को अकेला नहीं छोड़ना है, अगर दूसरे डिसिप्लिन में कुछ काम हो रहा है इम्पोर्टेंट उसको भी लेके एक बेहतर डिसिप्लिन हमको बनाना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट थिंकर है मार्टिन लिपसेट, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट काम किया पॉलिटिकल मैन करके, उन्होंने किताबें लिखी और इलेक्शन का जो बिहेवियर है लोगों का वो बताने की कोशिश करी बिहेवियरल अप्रोच देख के। और इन्होंने बताया कि जो प्रॉस्पेरिटी है सोसाइटी की वो और जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बीच में रिलेशन है, कि जो जितना जिस कंट्री के पास पैसा होगा वहाँ पे बहुत पैसा होगा तो एक अलग मॉडल होगा, लेकिन कोई गरीब कंट्री होगी तो वहाँ पे अलग मॉडल होगा। इन्होंने डेमोक्रेटिक क्लास स्ट्रगल की बात करी, जिससे मार्क्सिस्ट लोग थोड़े नाराज हो गए क्योंकि उनको केवल रिवोल्यूशन समझ में आ रहे थे, उनको नहीं लग रहा था कि पॉलिटिकल सिस्टम के किसी लोकतांत्रिक सिस्टम के अंदर भी लोग अपना स्ट्रगल करके अपनी बातें रख सकते हैं। फिर आप ध्यान देंगे कि अब इनको किन बातों के लिए क्रिटिक किया जाने लगा। एक दौर आता है 1969 में, डेविड ईस्टन खुद आते हैं वापस, उन्होंने बोलते हैं कि जो हमने शुरू किया था शायद उतना सही काम करा नहीं है। तो फिर वहां पे किन बातों के लिए इनको क्रिटिक किया जाता है, पहला बोल जाता है कि इन्होंने टेक्निक पे इतना ज्यादा फोकस कर दिया कि जो सब्जेक्ट मैटर है कि किस विषय पे पॉलिटिकल साइंस वालों को पढ़ना चाहिए वो पीछे रह गया। तो पॉलिटिकल साइंस में अगर आप जस्टिस पे बात नहीं करते, जो कि बाद में जनरल्स आके करेंगे, और ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों को पीछे छोड़ दिया, केवल टेक्निक की बातें करने लगे। फिर ये स्यूडो पॉलिटिक्स है। स्यूडो पॉलिटिक्स का मतलब है कि ये इस तरह की राजनीति है जो अमेरिकन सिस्टम को ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा बेहतर बताने की कोशिश कर रही है, ये मॉडल क्रिएट करके, टेक्निक्स क्रिएट करके, क्योंकि फिर आप वैल्यू जजमेंट नहीं करेंगे, अच्छे बुरे की बात नहीं करेंगे, क्या होना चाहिए उसकी बात नहीं करेंगे, केवल आप एक्सप्लेन करने की बातें करेंगे। फिर ये कहा कि इन्होंने बिहेवियरल जो लोगों के ह्यूमन बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन करने के चक्कर में जो इंस्टीट्यूशनल आस्पेक्ट हैं, जो लोग इंस्टीट्यूशन है बेसिक, उनको एक्सप्लेन करना छोड़ दिया। और जो और लोग क्रिटिक करते हैं वो बोलते हैं कि ये मॉडल बहुत ही स्टैटिक है, ये जो करंट चीज़ें चल रही हैं उसको अपने दिमाग में नहीं लेता है। फिर एक और जो बात है कि ये वैल्यू फ्री रिसर्च की बात करता है, कि रिसर्च जो है वैल्यू फ्री होनी चाहिए, या जो भी हम काम कर रहे हैं वैल्यू फ्री होना चाहिए। लियो स्ट्रॉस आके बोलेंगे कि पॉलिटिक्स को आप वैल्यू से अलग ही नहीं कर सकते,
पॉलिटिक्स तो बताने का ही है कि क्या सही है क्या गलत है, और दूसरा है ये रिसर्चर कोई भी कैसे वैल्यू फ्री हो सकता है, सबके अपने अपने कुछ नोशन होते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और फिर एक और जो इम्पोर्टेंट क्रिटिक है वो है कि जो भी पॉलिटिकल फिनोमेना हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादातर जो होते हैं उनको आप मेजर नहीं कर सकते हर बात को, आपको समझना होगा ये बात, इन बातों के लिए इनको क्रिटिक किया गया। और इन क्रिटिक को ध्यान में रखते हुए फिर हम पोस्ट बिहेवियरलिज्म एक मोमेंट आता है जहाँ पे लोग बात करते हैं कि पुराने समय में टेक्निक की वजह से सब्जेक्ट मैटर पीछे हो गया था, हम लोग बहुत इररिलेवेंट इशूज पे काम कर रहे थे क्योंकि वहाँ वो टेक्निक से हो जा रहा था, लोगों का इलेक्शन बिहेवियर देखना ये देखना, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इशूज जो थे वो छूट गए थे। तो उन्होंने कहा कि अब भैया वापस आओ, अब हमें उन बातों पर ध्यान लगाना है जो बहुत ही रिलेवेंट है, भले ही मेथड्स और टेक्निक के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाए। और ये चेंज आया 1969 में डेविड ईस्टन के लेक्चर के बाद, और रिलेवेंट इशूज को लाने की बात करें। तो ये है बिहेवियरलिज्म के बारे में। इस वीडियो में इतना ही, लाइक करें सब्सक्राइब करें और ऐसे ही देखते रहें।